लेकिन धनम काफी लंबा चले धीरे धीरे कदमों से हेमेंद्र के लिए पहली बॉल बहुत बढ़िया बॉल और पहली एक बार फिर से काफी लंबा रन अप लेके धीरे धीरे कदमों से भाई राकेश को क्रॉस करते हुए बढ़िया बॉल और उतना ही बढ़िया समारोह और अपने फॉर्म में पकड़ लिया बॉल को छक्का था यार उधर क्या ना पहली बॉल जो स्पीड तेज आ गई आज के दिन का दूसरा मुकाबला यहां पर मां हवा देवी के प्रांगण में थाना दुमकोट वर्सेस गोंडाडा काफी युवा सबसे युवा टीम मेरे नजरिए में गोंडाडा की पहला ओवर प्रगति पे स्कोर है एक रन बहुत ही बढ़िया गेंद रही थी अभी तक तीन गेंदें लंबा रन गेंदबाज दीपक का सामने बल्लेबाज धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया बहुत बढ़िया गेंद और मौका बन सकता है बहुत ही बढ़िया गेंदे हाथों में मार दिए और मैनाकोट क्षेत्र के सबसे बेहतरीन फील्डर अजय पाल ने एक बढ़िया कैच पकड़ा डीप स्क्वायर लेग पे और एक इनामी घोषणा गोंडाडा के खिलाड़ियों के लिए कृपया ध्यान दें ग्राम प्रधान गोंडाडा की तरफ से 1,000 रुपए की इनामी राशि तो हेमेंद्र फिर से स्ट्राइक लेंगे दीपक अपने बॉलिंग रनअप में तैयार होते हुए धीरे धीरे दौड़ना चालू किया अंपायर को लगभग क्रॉस किया और ये बढ़िया गेंद इंची रहती हुई और एक अनियंत्रित फिर से अपने बॉलिंग रनअप में तैयार होते हुए दीपक सामने हेमेंद्र सामना करेंगे और क्षेत्र रक्षण काफी खुला हुआ दूर डीप स्क्वायर लेग में माही थपलियाल धीरे धीरे पार किया और बढ़िया गेंद बढ़िया शॉट तो गोंडाडा की टीम से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको थाना धुमाकोट के खिलाफ भी मैच जीतना है तो छोटे छोटे मौके आपको भुनाने पड़ेंगे इस तरह के हाफ चांसेस को आपको कन्वर्ट करना होगा तभी जाके कहीं ना कहीं आप एक बड़ी टीम एक मजबूत टीम को हरा सकते हैं फिलहाल इलियास सेट करते हुए पहला ओवर अभी भी प्रगति पर थोड़ा सा लंबा खींचता हुआ क्योंकि काफी लंबा बॉलिंग रनअप थोड़ा समय उसमें भी लगता है धीरे धीरे दौड़ना चालू किया दीपक ने सामने इलियास धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस किया बढ़िया गेम बहुत ही बढ़िया सम्मान एक बढ़िया एफर्ट था वहां पे थोड़ा स्पीड भी गेंद लेकिन एफर्ट काफी बढ़िया यहाँ पर तो पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे थाना दुमाकोट तो काफी सूरत चले सामने इलियास धीरे धीरे अंपायर को पार किया बढ़िया गेंद पट्टी हुई गेंद समझ नहीं पाए पटकी हुई गेंद काफी थोड़ा बहुत इस पिच में अनियंत्रित बिल्कुल पर्थ की विकेट की जैसी है पिच में बल्लेबाज जिन टीमों का मैच होना अभी बाकी है वो समझ ले थोड़ा बाउंस को इस पिच का पर्थ की तरह इस पिच में विकेट नहीं अभी नहीं खड़े ही सही है और पिच क्यूरेटर को भी मैं व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद कहना चाहता हूँ इस तरह की पिच बनाने के लिए फिलहाल चले सूरज अंपायर को पार किया सामने लिया बहुत ही बढ़िया गेंद समझ नहीं पाए बिल्कुल भी एक करार हैट्रिक आता हुआ अंपायर की तरफ से अंपायर सुरेश नोगाई जी काफी पहनी नजर वही उनकी सूरज फिलहाल थोड़ा सा देखते हुए बढ़िया एफर्ट था वहां पर कीपर अजयपाल चौहान जी का बहुत ही बड़ा नाम इस क्षेत्र में क्रिकेट के फिलहाल अपने बॉलिंग रनअप पे तैयार होते हुए सूरज हल्के हल्के कदमों से दौड़ना चालू किया सामने इलियास बहुत बढ़िया गेंद बिल्कुल यॉर्कर करना चाहते थे उसे लेकिन थोड़ा गति चले सूरज स्कोर अभी भी वही रुका हुआ है फिलहाल चले सूरज बढ़िया शॉट बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर की तरफ बढ़िया एफर्ट यहाँ पर तैयार होते हुए धीरे धीरे दौड़ना चालू किया अंपायर सुरेश नोगाई को पार करके बिल्कुल बीट जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है भाई पे निगाहें कहीं पे निशाना समझना बहुत ही मुश्किल हरिंदर के लिए सूरज की गेंदबाजी काफी गति उनकी गेंद में स्पीडोमीटर पे 140 से ऊपर की स्पीड दिखाई जा रही है अभी
स्कोर 6 रन। दूसरा ओवर प्रगति पे चले सूरज बीट हुए, समझ नहीं पा रहे। और क्रिकेट में एक जीत तब हो जाती है किसी भी गेंदबाज की, फेडरेशन टीम की, जब वो किसी भी बल्लेबाज को बैक फुट पर धकेलते हैं और सर देखते हैं आगे क्या करते हैं, प्रेशर से किस तरह से निकल पाते हैं। दौड़ना चालू किया सूरज ने सामने, हरेंद्र फ्रंट फुट से खेला इस गेंद को, बढ़िया बढ़िया ड्राइव लॉन्ग ऑफ की तरफ, एक सिंगल लेने से नहीं रोक पाए। धीरे धीरे इस सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। दूसरा ओवर अभी दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 7 रन, एक विकेट के नुकसान पर।